तो फिल गेम फैमिली आज जिंदर महल की टीम यानी कि जिंदर महल खुद द ग्रेट खली और वीर महान 2K22 की खतरों टीम से फाइट करेगी यानी कि जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की टीम के साथ। और जैसा आप लोगों को याद होगा कि भाई खतरों टीम अनडिफीटेड है, आई थिंक अभी तक तो 40 मैचेस हो चुके हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या जिंदर महल अपनी टीम के साथ पहली बार खतरों टीम को हरा पाएंगे या नहीं। ऐसे बाकी पांचों के अलावा जिंदर महल को ओवरऑल बहुत ही ज्यादा कम दिया था भाई 2K ने, लेकिन हो सकता है कि जिंदर सर सबको शॉक कर दे। तो चलो फिर आज के गेम प्ले किया जाए स्टार्ट। और फेल गेम फैमिली, जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है फटाफट एकदम जल्दी जल्दी लाइक कर लो वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। प्रेडिक्शन करोगे क्या लगता है जिंदर सर की टीम हरा पाएगी खतरों टीम को? ऐसे मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं, पर चलो देखते हैं क्या होता है। खलास लगा दिया जिंदर ने, मैंने बोला था जिंदर सर हो सकता है शॉक करेंगे, सीना को खलास लगा दिया, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुए सीना। कैसे तो पिनफॉल नहीं हुआ, क्योंकि जिस हिसाब का 2K ने सीना को बनाया है पिनफॉल भी हो जाता। एक और फिनिशर, लगातार दूसरा फिनिशर, सीना गए। मैंने क्या बोला सीना को यार, 2K आई हेट यू। 2K22 में सीना को ऐसा क्यों बनाया है भाई? जिंदर महल का ओवरऑल 77 है, जॉन सीना को एलिमिनेट कर दिया मैच के आई थिंक 20 सेकंड में। अब रोबन और ब्रॉक को मैच को संभालना होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब तक ब्रॉक और रोबन है तब तक मैच अभी भी बचा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी जिंदर सर की टीम जीत रही है, वाह बहुत बड़े। अगर ऐसे ही जाते रहोगे तो जीत सकते हो, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं जो कि पीटे जा रहे हैं जिंदर महल को। ब्रॉक के पास भी तीन तीन फिनिशर है, यानी कि तीन कमूरा या फिर तीन F5। जिंदर को भागना चाहिए, खली सर वो टैग दो, भागो। वीर महान को भी टैग दे सकते थे लेकिन भागे नहीं, और इस चक्कर में एलिमिनेट हो जाएंगे, स्टंट होने वाले, एलिमिनेट हो सकते थे, बच गए। एक कमूरा लॉक लग गया, देखना बहुत लोगों को दो दो फिनिशर लगेगा लेकिन कोई एलिमिनेट नहीं होगा, सिर्फ सीना ही के साथ ऐसा होता है। पिनफॉल भी नहीं हुआ, ऑब्वियसली एक फिनिशर में किसका होगा पिनफॉल। खली सर रोमन को मार रहे हैं और हार्ट डैमेज किए जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर। रोमन गए नीचे और खली सर पकड़ में आ गए, ब्रॉक ने पकड़ लिया। भाई ब्रॉक आज अलग ही फॉर्म में, F5, खली को F5 भी लगा दिया भाई साहब। आज जिस हिसाब से एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर के साथ कांड हुआ है भाई, ब्रॉक उसका गुस्सा यहाँ पे निकालेंगे क्या? बॉडी येल्लो, हाथ भी येल्लो, डिस्क्वालीफाई हो गए ना आज ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक आज रियल लाइफ में भी बहुत गुस्सा थे, यहाँ पर भी गुस्सा होंगे। जिंदर अब टैग दे देना, भागने के इतना इतना ऑप्शन आ रहा है। जिंदर महल भाग रहे नहीं थे, एक और कमूरा लॉक लगा दिया, लेकिन देखा एलिमिनेट नहीं हुए जिंदर महल, जबकि 77 ओवरऑल है। ब्रॉक ने इतना मारा भी था, पिनफॉल हो सकता है। रेफरी, खली सर बचा सकते थे, खली सर क्या कर दिया, खली बचा सकते थे जिंदर महल को लेकिन बचाया नहीं, खली सर ऐसा क्यों किया? अच्छा आने में टाइम भी लगता, हाँ ये भी ठीक है, पिनफॉल तब तक हो ही जाता। ब्रॉक लेसनर भाई आज फुल मूड में है, ब्रॉक की हेल्थ देखो एक बार। जिंदर अगर टैग दे देते दे ना तो बच जाते, जैसे रोमन को ब्रॉक ने टैग दे दिया है। खली सर चॉक स्लैम देने में बहुत टाइम लगता है, रोमन ने गिलिटिन लगा दिया है लेकिन खली भी एलिमिनेट नहीं हुए। दो दो तीन तीन फिनिशर में कोई एलिमिनेट नहीं होता है, सिर्फ सीना को छोड़कर। अरे वीर महान बचाओ ना, क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, अपने पार्टनर को बचा ही नहीं रहे। वीर सामने खड़ा होता, बचा सकते थे खली सर को, खली सर ये भूलेंगे नहीं। ओ भाई साहब ये जोर से लगा था पता है, खली अब पीछे पड़ गए, वीर महान को टैग दे सकते हो, बहुत अच्छा आइडिया। जिंदर अगर टैग दे देते तो अभी भी मैच में रहते, लेकिन वही गलती कर दी। वीर तीन तीन फिनिशर है रोमन को, लेकिन एलिमिनेट कर पाएंगे वीर महान? किंग ऑफ 2K22 में जब वीर वर्सेस रोमन हुआ था तो आई थिंक वीर ने एक पॉइंट बनाया था सिर्फ 6 में से, बाकी 6 रोमन ने बना लिया था। आज उस चीज का बदला ले सकते हैं वीर महान, एलिमिनेट करना होगा रोमन को। वीर उस दिन का पूरा बदला ले रहे भाई, उछाल उछाल के फेंक रहे रोमन को। ओके रिवर्स कर दिया रोमन, भागो टैग देने, बॉडी येल्लो हो गई है, बहुत अच्छा आइडिया। इसीलिए टैग टीम मैच होता ही है, थोड़ा सा पिटो टैग दे दो भाई आराम करने के लिए। वीर महान ने भाई साहब मारा है उछल के, खतरनाक ये होता है बेली टू बेली, लेकिन ब्रॉक ने रिवर्स कर दिया। सुप्लेक्स देने का हक सिर्फ ब्रॉक लेसनर को है, और ये हक ब्रॉक लेसनर, अपर कट, ये हक ब्रॉक लेसनर ने किसी को नहीं दिया है, सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर ही देंगे। वीर महान को ले जा रहे क्या सुप्लेक्स सिटी? नहीं नहीं नहीं, वीर रिवर्स कर सकते हो। अरे रे रे रे, ब्रॉक का कोई आज मूव रिवर्स क्यों नहीं कर रहा है? कोना में ले जाके ब्रॉक लेसनर धोना शुरू कर देते, ये अच्छा नहीं है ब्रॉक। और एक और सुप्लेक्स, मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आज ब्रॉक लेसनर पिट ही नहीं रहे, ब्रॉक की फुल हेल्थ है, कोई बॉडी पार्ट भी डैमेज नहीं है। रोमन की भी ऐसे अच्छी ही हेल्थ है, ज्यादा पिटे नहीं है। अरे रोमन आए क्यों थे, फिर से टैग दे दिया। रोमन ने बोला ब्रॉक भाई तू अच्छा खेल रहा है तू ही जा,
मैं आराम करता हूं बाहर तब तक, और ब्रॉक ने अपना सिग्नेचर भी लगा दिया। ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स, वीर ऑफिशियली सुप्लेक्स सिटी जा रहे हैं। वीर ये रिवर्स कर सकते थे, दो रिवर्सल आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए। वीर टैग दे सकते हैं, पिनफॉल खली सर, बचाना इस बार पिनफॉल, खली देखो बचाते ही नहीं है, क्योंकि वीर ने नहीं बचाया था सबमिशन से, इसलिए इस चीज का बदला ले रहे द ग्रेट खली। खली सर ऐसा मत करो, अपना टीममेट एलिमिनेट हो जाएगा, सबमिशन छीन लिया, बच गए वीर महान। वीर के पास तीन तीन फिनिशर है, अभी तक एक भी यूज नहीं किया है वीर ने, लेकिन और सिग्नेचर भी है। वीर क्या वेट कर रहे हो, एलिमिनेट होने के बाद कैसे यूज करोगे, अभी यूज कर लो, इतना अच्छा चांस है अभी यूज करने का। फिनिशर दे सकते थे, पता है फेस लॉक फिनिशर है, वो लगा सकते थे, लेकिन वेट करते रह गए। चलो ठीक है, खली सर को भी टैग देना अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि खली की हेल्थ कम ही है लेकिन वीर से ज्यादा है। भाई साहब आज तो ब्रॉक लेसनर अलग ही मूड में चल रहे हैं, मार खाने का नाम ही नहीं ले रहे, टेक डाउन करने के बाद टेक डाउन पंचेस, बैक टू बैक अटैक सिर्फ चल रहा है ब्रॉक का आज। ब्रॉक में बता रहा हूं कि सही में बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये देखो भाई उड़ा उड़ा के फेंक रहे सबको। ब्रॉक जाओ टैग दे दो, रोमन को टैग दे दो, ब्रॉक एलिमिनेट कर देंगे दोनों को अकेले, रोमन को भी आने दो। ब्रॉक ब्रॉक के पास ऐसे भी सिग्नेचर फिनिशर है नहीं, चलो ठीक है, रोमन के पास दो दो फिनिशर है, खली सर के पास भी आई थिंक तीन फिनिशर है। वाह खली सर कब यूज करोगे फिनिशर, अभी अच्छा मौका है यूज करने का। खली सर ने रिवर्स भी कर दिया, तीन फिनिशर से ज्यादा आता नहीं है, सिग्नेचर फिनिशर दोनों आपके पास, फिनिशर लगा दिया वाइस ग्रिप। रोमन लेकिन एलिमिनेट नहीं होंगे मुझे नहीं लग रहा है, सीना होते तो एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि सीना को खराब बनाया भाई टूके ने, लेकिन हाँ रोमन बच गए, पिनफॉल हो सकता है। ब्रॉक भी नहीं बचाने आ रहे रोमन को, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं मतलब अपनी टीम पर यकीन है तो अच्छी बात है, लेकिन बचाने आने का ऑप्शन है तो भाई बचा लो आकर, क्या पता पिनफॉल हो जाए। खली सर ये क्या कर रहे हो, ऊपर जाकर नहीं जाना चाहिए था, रोमन उड़ा के सुपरमैन पंच आजकल मारने लगे हैं, बॉडी ऑरेंज है रोमन का, हेड येलो, रोमन को भी भागना चाहिए टैग देने, ब्रॉक की फुल हेल्थ है, रोमन मौका मिलेगा भागना, वीर महान को टैग मिल गया, वीर पक्का फिनिशर लगाएंगे भाई अपना फेस लॉक, रोमन भागो फिनिशर लगने वाला है, ब्रॉक को टैग दे सकते हैं, रोमन को लेकिन रिवर्स करना होगा, हार्ट डैमेज हो गया, ओ हो। वीर मुझे लग रहा है ना कि अपनी सबमिशन का तैयारी कर रहे हैं, रोमन का हाथ वीक कर दिया है, बॉडी भी वीक ही, हेड भी येलो ही है, पिनफॉल नहीं होना चाहिए वीर, वीर के पास अभी अपर हैंड है, क्योंकि रोमन गिरे हुए हैं, अभी अपना फिनिशर लगा सकते हैं, ब्रॉक भी गए नीचे, लो भाई ब्रॉक भी स्टंड है, रोमन अपना फिनिशर, ओके खतरनाक, अब ये खतरा है, रोमन गए लगता है, फिनिशर लगा दिया वीर ने, रोमन ने रिवर्स नहीं किया, फेस लॉक, रोमन रेंज एलिमिनेट, ओ भाई खतरू टीम लगता है आज हारने वाली है, ब्रॉक अकेले बच गए, ब्रॉक के पास एक फिनिशर नहीं है, वीर के पास दो फिनिशर, खली सर के पास दो फिनिशर, दोनों के पास एक एक सिग्नेचर, ब्रॉक के पास ना ही सिग्नेचर ना ही फिनिशर, तो खतरू टीम आज फाइनली हारने वाली है, ब्रॉक अकेले बच गए, फिनिशर देने के लिए ले जा रहे हैं वीर भाई, ओके फिनिशर रिवर्स कर दिया, लेकिन फिनिशर आया नहीं ब्रॉक के पास, वीर का फिनिशर गया भी नहीं, एक किलोमीटर ड्रैग करते हुए ले जा रहे ब्रॉक लेसनर, अरे ब्रॉक ये नहीं करना चाहिए था, अच्छा खासा भी जीत सकते थे, और मिस कर गए वीर, ब्रॉक को मौका मिल गया, ब्रॉक को मौका मिला है, लेकिन फिर भी ये जीत का मौका है या नहीं, ब्रॉक के पास फिनिशर है, कमरों लॉक आ गया है और लगा दिया, वेट थोड़ी करेंगे ब्रॉक लेसनर, लेकिन हाँ वीर का हाथ तक डैमेज नहीं हुआ है, अभी कहां वीर जाने वाले, ब्रॉक लेसनर खली सर के सामने पिनफॉल, ऑब्वियसली खली बचाएंगे, खली को नीचे फेंकना होगा ब्रॉक को, ब्रॉक के पास ना ही फिनिशर है ना ही सिग्नेचर है, खली सर पावर बॉम्ब खा के नीचे अकेले बचे भाई ब्रॉक लेसनर, क्या लग रहा है जीत पाएंगे, ऐसे परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है ब्रॉक की, लेकिन जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ब्रॉक बार बार F5 के लिए क्यों उठा रहे, F5 है भी नहीं ब्रॉक के पास, सिर्फ सिग्नेचर है, बेली टू बेली की बात लगा सकते हैं वीर भाई, फिनिशर, वीर फिनिशर रहा है और रिवर्स कर दिया, फिर से रिवर्स कर दिया भाई ब्रॉक ने, दो दो बार फिनिशर से बचे हैं, बहुत सही बचे ना ब्रॉक लेसनर, लेकिन जीते, अरे ये क्या हो गया वीर को, मारते मारते खुद गिर कैसे गए, ब्रॉक के पास सिग्नेचर है और एक फिनिशर भी आने ही वाला है, नॉर्मल सबमिशन लगा दिया, खली सर बचाओ आकर, बचाओ बचा रहे नहीं है खली, ये नॉर्मल सबमिशन है, इससे टैप आउट तो नहीं करेंगे वीर, लेकिन वीक हो गए, खली सर बहुत लेट आया, वीर ने खुद ही छुड़ा लिया है, बहुत ज्यादा लेट आया,
ये देखो, मुझे लगा रेफरी भाई ग्लिच कर गया, लेकिन थैंक गॉड रेफरी ग्लिच नहीं हुआ। सुप्लेक्स जो ब्रॉक रिवर्स पे रिवर्स, वीर को कुछ करने ही नहीं दे रहे ब्रॉक, एक के बाद एक अपने सारे मूव दिए जा रहे ब्रॉक लेसनर, फिनिशर सिग्नेचर दोनों आ गया है। पिनफॉल नहीं होगा, ये क्या किया ब्रॉक ने, एक और बार पिनफॉल, अब तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ब्रॉक सिग्नेचर फिनिशर दोनों यूज करके देखो, शायद कुछ हो, ऐसे अभी भी चांसेस कम लग रहा है। ओके, ब्रॉक लेसनर वीक कर रहे हैं हाथ को, ताकि एक बार कमुरा लॉक लगाए टैप आउट कर दे वीर, या फिर नॉकआउट हो जाए वीर। अब मौका है फिनिशर देने का मौका है, लेकिन ब्रॉक गिर ही नहीं रहे, रिवर्स पे रिवर्स किए जा रहे हैं, खतरनाक खेल रहे भाई ब्रॉक लेसनर। वन मैन डोमिनेशन, ओ भाई भाई भाई, उठा उठा के सिर्फ फेंका जा रहा है, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, क्या हो गया ब्रॉक को आज, फिनिशर लेकिन रिवर्स हो गया, मेन चीज जो लगना चाहिए था वो रिवर्स हो गया है। वीर यही मौका है, भागो टैग दो, अब भागना वीर, या तो फिनिशर लगाओ या तो भागो, बहुत सही डिसीजन, जीता हो मैच हार सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक आज मूड में है भाई। एक सिग्नेचर है फिनिशर, खाली सर नहीं देना चाहिए था टैग, गलती कर दी, अब वीर गया भाई, अगर वीर ने एक गलती की ना ब्रॉक लपेट लेंगे। वीर के सारे मूव ब्रॉक लेसनर पे उल्टे पड़ गए, ब्रॉक की बॉडी लाल है, हेड येलो है, एक फिनिशर अगर लग जाता ना, ब्रॉक भी गए थे, खतरू टीम हार जाती आज पहली बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रॉक फिनिशर खा ही नहीं रहे। एक और कमुरा, वीर एलिमिनेट नहीं हुआ भाई, हाथ ऑरेंज हो गया है लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ, खली सर ऑब्वियसली बचाने आएंगे, पिनफॉल होने जा रहा है, खली सर सामने पिनफॉल हो रहा है, क्या कर रहे हो। वीर ने रेजिलेंस यूज कर लिया, खली सर अभी तो आप डुबा देते, ब्रॉक के पास सिग्नेचर है भाई साहब, ब्रॉक को क्या हो गया आज भाई, खतरनाक खेल रहे हैं, लेकिन जीतेंगे या नहीं, खेला बहुत ही खतरनाक है ब्रॉक ने अकेले, और एक जो एलिमिनेशन किया भी था जिंदर महल का, वो भी ब्रॉक ने ही किया था, ये फिनिशर लगा वीर का डेफिनेटली, सही टाइम पे रिवर्स कर रहे हैं वीर, पता है एक ही दो मूव रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर, और ब्रॉक हर कुछ रिवर्स कर दे रहे हैं, मां कसम भाई ब्रॉक को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन ब्रॉक आज अल्टीमेट लेवल पे पहुंच चुके हैं अपने, हर कुछ रिवर्स कर दे रहे हैं, ये देख लो भाई मैं क्या बोलूं, अब मैं समझ गया, ब्रॉक वीर से तो नहीं हारने वाले, खली सर से भली हार जाए लेकिन वीर को एलिमिनेट करके रहेंगे ब्रॉक लेसनर। दोनों बैक टू बैक रिवर्सल चल रहा है दोनों का, लेकिन वीर अभी तक एक फिनिशर नहीं दे पाए, फिर रिवर्स, भाई ये क्या हो रहा है वीर के साथ, वीर जल्दी कुछ कर भाई, स्टंट होने ही वाला है, और अब स्टंट, और ब्रॉक के पास फिनिशर भी आ गया, खली सर भी बचाने नहीं आ पाएंगे, अब तो भाई जाना ही है, एलिमिनेट, वन ऑन वन पे मैच आ गया है फिर से, ब्रॉक ने खतरू टीम को एक लास्ट मौका दिया है, अब जो पहले अपना फिनिशर देगा, खली सर अब आपके ऊपर है मैच, काउंट आउट से भी जीत गए तो जीत गए, लेकिन मजा नहीं आएगा, मैं चाहता हूं जो भी जीते वो रिंग के अंदर नॉकआउट पिनफॉल या सबमिशन से जीते, लेकिन हाँ काउंट आउट से भी जीत गए तो मान लिया जाएगा। ब्रॉक अंदर ही आ जाओ, हाँ मैच का फैसला अंदर ही होना चाहिए, अगर खतरू टीम पहली बार हारती है तो पिनफॉल सबमिशन या नॉकआउट ही से हारनी चाहिए। ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा पिट गए हैं, बॉडी लाल, हेड येलो, कभी भी टाटा बाय बाय, ओ नहीं 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 नहीं, टाटा बाय बाय करवाने नहीं आए ब्रॉक लेसनर, सिग्नेचर लगा दिया, खली सर रिवर्स कर सकते थे, रिवर्स नहीं किया, खली सर भी पिट गए, बॉडी ऑरेंज सर लाल, खली सर जा रहे सुप्लेक्स सिटी, बूम पिनफॉल करेंगे क्या ब्रॉक, खली सर किक आउट कर सकते हैं, अभी चांस है किक आउट करने का, हारा वो मैच जीता कैसे जाता है, ब्रॉक लेसनर ने आज दिखा दिया है भाई, खतरू टीम एक बार फिर से जीत चुकी है, ऑल थैंक्स टू ब्रॉक लेसनर, 1v3 करके गए भाई, खतरनाक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस, ब्रॉक लेसनर का अभी तक का 2K22 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की। फिल गेम फैमिली, मेरी कल की वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो वो स्क्रीन पे बन रही होगी, उस पर क्लिक करो, उसको जाकर देख लो, ब्रॉक ओपी करो कमेंट सेक्शन में जल्दी से, और मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय, ख्याल रखो सब और सेफ रहो।